हेलो दोस्तों, बहुत प्यारा वाला स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पालक के कटलेट। जी हाँ, पालक का नाम सुनते ही मन में लगता है कि कड़वाहट रहेगी, कैसे खाएंगे, बट यकीन मानिए अगर आप मेरी रेसिपी को सीखेंगे, ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो बार बार इन कटलेट्स को बनाएंगे और खाएंगे भी। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं वीडियो की, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पालक को देखिए इस तरीके से कट कर लिया है, धोकर साफ कर अच्छे से। उसके बाद बॉयल्ड आलू मैंने 2 से 3 आप ले सकते हो और मैश करके रखे हैं, साथ ही में ब्रेड क्रम्स। तो ये मैंने घर पर ही बनाए हैं, अगर आप लोग बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट में भी मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, एक पैन के अंदर ऑयल गरम करके हरी मिर्च में चीरा लगा करके इसमें डाला है, और साथ ही में जो मैंने पालक कट करके रखा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आप देखेंगे विद इन 3 to 4 मिनट्स ये कुक हो जाएगा और कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इसको गैस से उतार दें और इसको एक ठंडा होने के बाद मिक्सी में मैश करके पेस्ट तैयार कर लें। अब हम फिलिंग की बात करते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए मैश्ड पोटैटो मैंने यहाँ पर लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हमारा जो पेस्ट पालक का हमने बनाया था, साथ ही में मैंने थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके रखा है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की मात्रा फ्रेंड्स आप थोड़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि आपको अभी भी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और बाद में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मसालों में मैं इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और अमचूर, इन चीज़ों को ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, अपने स्वाद के हिसाब से आप इसमें लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ। तो अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद एक सॉफ्ट सा डो हम बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब बारी आती है इसका घोल बनाने की, जिसमें हम कटलेट को रोल करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 चम्मच, 1 चम्मच मैदा और उसके अंदर चिली फ्लेक्स डाली हैं। अब पानी ऐड करके आपको इसको पतला सा घोल बनाना है, जैसे हम गुंजिया के लिए या नॉर्मल कटलेट्स के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो बस जब ये घोल बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद अब हम बनाएंगे अपने कटलेट्स। अब देखिए, कटलेट्स की अलग अलग शेप्स लोग पसंद करते हैं, बट यहाँ पे मैं इसको ब्रेड रोल जैसे होता है उस तरीके की शेप दे रही हूँ। तो देखिए, इतनी छोटी छोटी मात्रा में आपको ये बॉल्स बना के इस तरीके से रोल करना है। शेप आप अपने हिसाब से कैसी भी रख सकते हैं, पर ये वाली शेप बहुत अच्छी लगती है। तो बस शेप बन के तैयार हो जाए तो इस घोल में आप इसको इस तरीके से 1 चम्मच की मदद से थोड़ा रोल करें। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स की ये जो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ फ्रेंड्स, ये मैं 2 बार लगाऊंगी, उससे आपके कटलेट्स ना बहुत क्रंची बनते हैं और फटते नहीं हैं। तो 2 बार आप ये करें इस तरीके से, और उसके बाद आपके कटलेट्स एकदम तैयार हैं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को बना लूँगी और फिर हम करेंगे इनको फ्राई करने की तैयारी। कटलेट्स जो हैं, आप चाहें तो पहले से बना करके, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई मेहमान आने वाले हैं, बना करके एक फॉइल पेपर से उसको रैप कर दीजिए और फ्रिज में उठाकर रख दीजिए। जब आपका तलने का मन करे तो फटाफट निकालिए और उसको बना लीजिए। तो बस बात करते करते बहुत सारे कटलेट्स मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैंने साइड में ना तेल भी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से अब हम देख लेते हैं कि इनको हमें आगे फ्राई किस तरह से करना है। तो अब देखिए, तेल मेरा एकदम तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर धीरे धीरे मैं कटलेट्स डालूंगी, और जब तेल आपका एक बार गर्म हो जाए ना, उसके बाद आप इसको गैस सिम पे रखिएगा और तब इन कटलेट्स को डालिएगा, जलेंगे नहीं, कलर बहुत अच्छा आएगा और अंदर से अच्छे से पक भी जाएंगे। तो मैं एक साथ में 3 कटलेट्स डाल रही हूँ, क्योंकि इनका साइज़ थोड़ा बड़ा है। तो धीरे धीरे जब आपको लगे कि अब पलटने लायक हो गए, तकरीबन 1 मिनट में हो जाएगा, तो आप इसको धीरे धीरे पलटते रहें अच्छे से, जब ये इवनली कुक हो जाए तो बस आपके कटलेट्स बन करके तैयार हैं। अब आप इनको अच्छे से सर्व कर सकते हो। तो सर्व करने के लिए एक प्लेट के अंदर आप नैपकिन रोल लगा सकते हो, उसके ऊपर इन कटलेट्स को रख सकते हो, और चाहे तो इसे फ्रेश हरे धनिया की चटनी के साथ, केचप के साथ इवनिंग स्नैक्स में इंजॉय कर सकते हो। तो ये जो है फ्रेंड्स, बहुत ही एक हेल्दी रेसिपी भी है, क्योंकि बच्चे ना पालक वैसे नहीं खाते हैं, तो मैं अंश को ये कटलेट देती हूँ तो वो फटाफट से खा जाता है। आप भी ट्राई कर सकते हो। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कुकिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। टेक केयर, बाय बाय।